दोस्तों आपने इनकम और गेन ये दो अलग अलग टर्म्स कई बार सुने होंगे पर क्या आपको एग्जैक्टली exactly पता है इनकम और गेन इन दोनों टर्म्स में एग्जैक्टली exactly क्या डिफरेंस है अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें हेलो दोस्तों मेरा नाम है सूरज कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑफ नॉलेज कैंपस लेट स्टार्ट दोस्तों इनकम का मतलब होता है बिजनेस की अर्निंग्स अर्निंग्स मतलब जो बिजनेस को अर्न करनी पड़ती है बिजनेस की जो कमाई है बिजनेस की जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है तो इनकम इज समथिंग विच इज अर्न बाय द बिजनेस आउट ऑफ सम बिजनेस एक्टिविटीज बिजनेस हैज टू परफॉर्म सम बिजनेस एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अर्न द इनकम यानी कि इनकम कभी भी आपको बैठे बिठाए नहीं होंगे इनकम अर्न करने के लिए आपको कुछ बिजनेस एक्टिविटी कैरी ऑन करनी पड़ेगी तभी आप इनकम अर्न कर पाओगे तो इनकम को कमाना पड़ता है इनकम इज समथिंग विच इज अर्न तो इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें गेंस के बारे में तो गेंस का मतलब होता है बिजनेस के रिलेटेड एक्टिविटीज से जो आप अर्न करते हो यानी कि गेन जो है बिजनेस के मेन या कोर एक्टिविटी से कमाई जाने वाली अर्निंग नहीं है बल्कि बिजनेस के जो रिलेटेड एक्टिविटीज होते हैं जो ऑक्शनरी या एंसिलरी एक्टिविटीज होते हैं इनसे हम लोग अर्न करते हैं इसे बोलते हैं गेंद और गेंद जो है कभी कभी बिना एफर्ट के भी हम लोग अर्न कर लेते हैं गेंद कभी कभी बिजनेस को बिना किसी एक्टिविटी को कैरी ऑन किए बगैर भी हो जाती है इनकम और गेंद को समझने के लिए मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिलते हैं लाइक लैपटॉप मोबाइल फोन ये सारी चीजें और साथ ही साथ वो जो शॉप है वो साइड से रिपेयरिंग का भी काम करता है रिपेयरिंग की भी सर्विस देता है तो शॉप की जो मेन एक्टिविटी है वो क्या है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सेल करना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इनके प्रोडक्ट्स है मोबाइल फोन लैपटॉप ये सारी चीजें वो बेचते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को सेल करके उस बिजनेस की जो अर्निंग हो रही है ये है बिजनेस की इनकम लेकिन इससे रिलेटेड उसने साइड से एक और काम कर रखा है जैसे कि रिपेयरिंग की सर्विस देना ये जो सर्विस है ये मेन एक्टिविटी से रिलेटेड है इट इज रिलेटेड टू द मेन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस तो रिपेयरिंग सर्विस देकर बिजनेस की जो अर्निंग होती है ये जो साइड अर्निंग होती है, इसे हम लोग ही है बिल्कुल इसी तरीके से इनकम और गेन के बीच में भी सेम रिलेशन है जैसे कि लॉस का उल्टा गेन होता है मैं आपको बहुत ही अच्छा और प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ एक रिलेवेंट एग्जाम्पल के थ्रू आपको गेंस और इनकम में अंतर क्या है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ मान लीजिए आपके बिजनेस में एक ऑर्डर आता है आपका कोई कस्टमर है दूसरे कंट्री में सपोज यूएसए में तो यूएसए का कोई कस्टमर है वो आपको ऑर्डर देता है किसी कमोडिटी किसी प्रोडक्ट के लिए और आप उससे कोट करते हो वन थाउजेंड यूएस डॉलर डील फाइनल हो जाती है और फिर इसके बाद आप कुछ दिनों में उनकी जो रिक्वायर्ड uh, कमोडिटीज है वो आप डिलीवर कर देते हो इसके बाद जैसे ही आप माल डिस्पैच करते हो डिलीवर करते हो आपका यूएसए का जो कस्टमर है वो आपके पेमेंट ट्रांसफर कर देता है उस दिन डॉलर की रेट चल रही थी सिक्सटी रुपीज पर डॉलर लेकिन एक हफ्ते के बाद सपोज जब आपको फाइनली पैसे मिले उस समय डॉलर की रेट हो गई सिक्सटी फाइव पर डॉलर अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए आपने अपने कस्टमर को वन थाउजेंड यूएस डॉलर का कोटेशन दिया था उसने आपको पेमेंट भी वन थाउजेंड यूएस डॉलर ही किया उसने आपको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया लेकिन आपकी एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गई कैसे एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गई बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डॉलर की रेट इंक्रीज हो जाने की वजह से आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो गया यानी एक हजार यूएस डॉलर का जो आपने कोटेशन भेजा था स्टार्टिंग में जिस समय आपने कोट किया था उस समय रेट चल रही थी सिक्सटी रुपीज पर डॉलर यानी आपके हिसाब से वन थाउजेंड यूएस डॉलर सिक्सटी रुपीज के हिसाब से आपको कितने मिलने थे 60, रुपीज। लेकिन एक हफ्ते के बाद जब आपको पेमेंट मिला पेमेंट तो वन थाउजेंड यूएस डॉलर का ही मिला लेकिन डॉलर की रेट बढ़ गई सिक्सटी फाइव रुपीज पर डॉलर और अब आपको वन थाउजेंड यूएस डॉलर जो मिला आप, आप उसे इंडियन करेंसी में जब कन्वर्ट करोगे तो ये वन थाउजेंड यूएस डॉलर बन जाएंगे सिक्सटी फाइव 1000 तो आपको जहां 60000 रुपए मिलनी थी अब आपको वहां मिल गया 65000 रुपए और ये ऐसा क्यों हुआ क्योंकि आपके इस एक हफ्ते के गैप के बीच में डॉलर की रेट बढ़ गई और ये आपको पहले से बिल्कुल भी पता नहीं था बैठे बिठाए आपका ये 5000 का फायदा हो गया इसे हम लोग गेन बोल सकते हैं ये हमने अपनी मेहनत से कुछ अर्न नहीं किया है ये हमारे एक्सचेंज मार्केट के फ्लक्चुएशन की वजह से ये हमारी अर्निंग हुई है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे इनकम या गेन इट्स अ गेन बिकॉज़ ऑफ फ्लक्चुएशन आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसे जरूर से लाइक करें और इसी तरह के रेगुलर वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकन को भी प्रेस करें थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर